मैं हूं लवली सिंह, आप देख रहे हैं एन भारत समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। अलीगढ़ में हिंदू मुस्लिम गंगा यमुनी तहजीब के लिए लगाई जाने वाली नुमाइश इन दिनों सुर्खियों में है। नुमाइश का उद्घाटन 1 फरवरी 2024 को किया गया है, जो कि 28 दिन तक चलेगा। नुमाइश को लेकर बताया जाता है कि अंग्रेजों के बाद जब नवाबी सल्तनत लगी तो इस दौरान लोग मनोरंजन करने दूर दराज व गांव शहर जाया करते थे। अलीगढ़ में मनोरंजन के साधन ना होने के कारण नवाब सल्तनत के द्वारा अलीगढ़ में नुमाइश लगवाने का ऐलान किया, जिसमें मुफ्त में लोग मनोरंजन के साधनों को लाया करते थे और अलीगढ़ की आवाम का मनोरंजन किया करते थे। धीरे धीरे यह नुमाइश ऐतिहासिक बनती चली गई। ये अलीगढ़ की जो नुमाइश है, इसका इतिहास बहुत पुराना है। 150 साल इतिहास को समेटे हुए है ये अलीगढ़ की नुमाइश, और नवाब साहब ने इस जगह को दिया था जब अंग्रेजों का शासनकाल था। क्योंकि उस समय इस तरह की वो नहीं था कि आज हम मोबाइल के जरिए से, टेलीविजन के जरिए से और तरीकों से मनोरंजन कर सकें, तो नवाबों ने सोचा कि हमारे शहर के जो लोग हैं वो मनोरंजन का कोई साधन नहीं है, ये क्या किस तरह से अपने आप को खुश रख सकें, किस तरीके से ऐसा कौन सा कार्य प्रणाली अपनाई जाए, कौन सी पद्धति ऐसी हो जिससे हमारे लोग भी मनोरंजन और इंजॉयमेंट कर सकें। तो उन्होंने, इनकी बहुत बड़े आदमी थे नवाब साहब, उन्होंने पूरी अपनी जो जगह थी, आप देखते हैं जहाँ नुमाइश ग्राउंड है अलीगढ़ में, वो पूरी जगह सरकार के लिए दान कर दी कि यहाँ केवल अलीगढ़ के लोगों के लिए मनोरंजन का साधन बनाएंगे आप, और यहाँ एक ऐसी नुमाइश लगाएंगे जिसपे गंगा जमनी तहजीब का मरकज बन जाए और हिंदू और मुसलमान दोनों साथ साथ यहाँ पर एक मेला ठेला और हर चीज़ों का मतलब आनंद लें, और नुमाइश झूले और काले जादू सरकार इस तरह के कार्यक्रमों से पहले लोग मनोरंजन किया करते थे। तो इसलिए उन्होंने वो सब चीज़ें, जैसा कि आप देखते होंगे, क्योंकि मैं शायर भी हूँ तो मैंने एक नज्म भी उस पर कही है, उर्दू शब्द भी लिखे हुए हैं वहाँ पर गेट पर, उसका क्या इतिहास है? उर्दू दरअसल पहले जब हम आपने देखा होगा कि बहुत पहले की बात है, 2000 से पहले की, कि यहाँ अलीगढ़ राजकीय उसमें वो था कि प्रादेशिक राजकीय प्रदर्शनी लिखा होता था। तो जाहिर सी बात है, जब हिंदू मुस्लिमों की एकता का ये गढ़ है अलीगढ़, और ये जगह भी नवाब साहब ने दी थी, तो ऐसा लगने लगा हमें कि भाई ये तो जब गंगा जमनी तहजीब का एक मरकज़ है, एक स्थान है, सेंटर है, तो इसमें दोनों ही चीज़ें, और हिंदी, ये जो उर्दू और हिंदी हैं दोनों सगी बहनें हैं और यहीं की ज़बान है, ये कहीं और से नहीं आई है। उर्दू हमारी अपनी ज़बान है, ये भारत की ज़बान है, और ये तो लोगों ने अपना लिया है दूसरे देशों ने, लेकिन ये हमारी अपनी भारतीय ज़बान है, शुद्ध भारतीय है, लश्करी ज़बान भी कहलाती थी और अब ये उर्दू के नाम से लोग जानते हैं। तो वहाँ कहीं भी नुमाइश में एक अजीब सा लगता था कि अलीगढ़, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में विश्वविख्यात है, लोग आते थे वहाँ, उर्दू का कोई शब्द नहीं लिखा हुआ है। तो एक हम लोगों ने मिलके, हमारे साथ मोहम्मद अहमद शेवन साहब, डॉक्टर ए समी खान साहब, डॉक्टर मुजीब शहदर साहब, मुबशिर करीमी साहब, और मैं मुशर्रफ हुसैन मेहजर, और हमारे और जो उर्दू के साथी थे, उर्दू से मोहब्बत करने वाले लोग थे, उनका काफिला जुड़ा, और हम सब लोग जो भी डीएम होते थे, देवदत्त जी से भी कई बार हमारी वार्ता रही और उनसे झड़पें भी हुई थी कि साहब यहाँ मतलब जहाँ जहाँ आप उर्दू में नुमाइश प्रदर्शनी लिखते हैं वहाँ वहाँ अलीगढ़ नुमाइश भी लिख दिया करें। खैर उन्होंने पहले तो आनाकानी की और नहीं मानी, लेकिन फिर जब ज़्यादा दबाव पड़ा और हमने जो भी मंत्री उस समय के हुआ करते थे शासन में वो आते थे, तो हम उनके द्वारा भी अपना एक मेमोरेंडम दिया, ज्ञापन दिया करते थे, सभी लोग मिलते थे उनसे, तो उसका सारे का असर ये हुआ कि सब लोगों ने, जब हिंदू मुसलमान सब, ये नहीं केवल मुसलमानों ने प्रयास किया इसके लिए, जो हमारे हिंदू समाज के और भी बहुत से साहित्यकार हैं उन्होंने भी इसके लिए प्रयास किया, राही साहब थे और हरीश बेताब जी और लोग थे, तो उन्होंने सब ने एक सामूहिक प्रयास किया और उसमें हम कामयाब हुए। तो आप देखते होंगे अब जब नुमाइश में जाएंगे आप, वो कृषांजलि नाट्यशाला में जाएँ, या मुक्ताकाश मंच पर जाएँ, या कोहिनूर मंच पर जाएँ, तो जहाँ हमारी हिंदी राष्ट्रीय भाषा लिखी हुई है वहाँ हमारी उर्दू भाषा भी लिखी हुई है। उसके अलावा आप जाइए शहर नीरज शहरियार पार्क है, तो वहाँ भी उर्दू और हिंदी दोनों का संगम है और बहुत लोग आनंदित होते हैं और सब लिखा रहता है। दरबार हाल में आप चले जाइए तो वहाँ भी घास है, तो वहाँ अगर उसमें हिंदी में लिखा हुआ है तो कहीं कहीं उर्दू में भी लिखा हुआ है। तो ये चीज़ें सब चलती हैं, क्योंकि ये नुमाइश गंगा जमनी तहजीब का एक, मैंने जैसे बताया कि स्थान है, तो मैं एक शायर भी हूँ, और तो शायर ने अपनी नज़रिए से इस नुमाइश को कैसे देखा है, मैं चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से कुछ लाइनें मैंने लिखी हैं वो मैं सुनाना चाहता हूँ। देखें आप, अलीगढ़ नुमाइश, इसका मैंने शीर्षक रखा है, उनवान रखा है अलीगढ़ नुमाइश। बहुत मशहूर है साहेब अलीगढ़ की नुमाइश, बहुत मशहूर है साहेब अलीगढ़ की नुमाइश, चले आओ दिखाएंगे तुम्हें इसकी बहारों में, मसरत के उजाले रक्स करते हैं। मुजम्मिल गेट, मित्तल गेट, गंगा जमनी तहजीब और मुश्तरका रिवायात तकद्दस का हंसी पैगाम देते हैं, तो ये महसूस होता है
अलीगढ़ वासियों के दिल मोहब्बत से, अखुव्वत से, तमद्दुन से कभी गाफिल नहीं होते। बहुत मशहूर है साहेब अलीगढ़ की नुमाइश, कहीं सर्कस, कहीं थिएटर, कहीं झूलों के मंजर हैं, जहां हर उम्र के लोगों के जमघट जिंदगी को एक हंसी अंदाज देते हैं। नुमाइश की दुकानों के हंसी मंजर दिलों को मोह लेते हैं। कहीं कश्मीर की शालें, कहीं पर लखनवी कुर्ते, कहीं भागलपुरी चादर, कहीं लुधियानवी कंबल, कहीं पर मुंबई की भेलपुरी के हंसी स्टाल रोशन हैं, कहीं पर ढोल और संदूक के बाजार सजते हैं। जहां देहात के लोगों की आमद लाजमी सी है, यहीं पर कुछ बरूलों की ढकेलें, चाट के ढाबे अजब खुश रंग मंजर पेश करते हैं। यहीं पर काले जादू के करिश्मों के नज़ारे हैं, यहीं पर ही कुएं में कार भी दौड़ाई जाती है। यहाँ एक ताल भी है जिसके पानी में बहुत सी कश्तियाँ इठलाती फिरती हैं। यहाँ हरिद्वार के होटल भी हैं, मेरठ के होटल भी। यहाँ हरिद्वार के होटल भी हैं, मेरठ के होटल भी, जो अपने उम्दा खानों से लोगों के दिलों को जीत लेते हैं। यहाँ कृषांजलि में और मुक्ताकाश में साहेब मेरे हिंदुस्तान की संस्कृति की कविता की गजल की बात होती है। हर एक लम्हा यहाँ पर नूर की बरसात होती है। चले आओ नुमाइश की हंसी बारादरी पर हम, चले आओ नुमाइश की हंसी बारादरी पर हम, तुम्हारी राह तकते हैं, तुम्हारी राह तकते हैं, चले आओ चले आओ। ये मैंने अलीगढ़ की जो नुमाइश का चित्रण है, जो मैं नहीं कह पा रहा था आपसे, मैंने इन पंक्तियों के माध्यम से कहने की कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद।